खाना खाने के बाद चाय ले लिया हूँ, पूरा एक गिलास भर के दे दिए चाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस, आप लोग कल के व्लॉग में बताया था मैं जाऊँगा गोकोवरम या फिर कहीं भी आंध्रा। तो अभी जा रहा हूँ कैरेट डलवाने के लिए मंडी, और सुबह सुबह अभी सो के ही उठा हूँ गाइस, 9 बजा होगा अभी। तो गाइस अभी गर्मी इतना ज़्यादा है कि अभी घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करेंगे, काम नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना उमस कर रहा है अभी सुबह सुबह ही, बाप रे पूरा दिन बाकी है आज का। तो शाम को निकलूँगा मैं, घर में रहूँगा दिन भर तो फिलहाल। तो गाइस मंडी तो आ गया हूँ, गाड़ी लग गया अभी, भैया कैरेट डालना चालू कर दिए हैं, अब मेरे को चढ़ना पड़ेगा जमाने के लिए। इतना धूप है गाइस, देखिए गाइस आधा से ज़्यादा कैरेट डल गया, अब थोड़ा बहुत और कैरेट जमाना है उसके बाद हो जाएगा। तो गाइस कैरेट पूरा डला गया है, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा पट्टा वाले भैया के पास, एक साइड का मेरा टायर थोड़ा चाट रहा है गाड़ी का, तो दिखवाता हूँ क्या हुआ है, क्या पता बूस्ट कट गया होगा। पट्टा वाले भैया के पास गाड़ी ला दिया हूँ, भाई देखो टायर मेरा कैसे हो गया है, पूरा एक साइड से पूरा दबा दिया है गाइस। तो गाइस भैया से खुलवा दिया हूँ देखो बूस, और ये बूस कटा है भैया बोल रहे हैं, तो इसको चेंज करवा लेते हैं। गाइस भैया लो पट्टा निकाल, वो निकाल दिए हैं बूस और नया बूस डाल रहे हैं, देखो अपना काम हो गया गाइस यहाँ का बूस का। अभी चलते हैं घर, अब जाता हूँ आराम करूँगा और 3-4 बजे जल्दी निकल जाऊँगा, आज अकेले जाना है। तो गाइस क्या है ना, बूस का काम बहुत ज़रूरी है, बूस सही रहना चाहिए गाड़ी का, नहीं तो टायर पूरा चाटता है। तो लोग क्या सोचते हैं ऐसे में, कई लोग को समझ में नहीं आता, वो बार बार अलाइनमेंट करवाते हैं, तो अलाइनमेंट जल्दी आउट नहीं होता है गाड़ी का। तो गाइस अभी निकल रहा हूँ, शाम का 4 बज चुका है, तो अभी जल्दी निकल जा रहा हूँ। आज क्या बहुत दूर जाना है, तो 14-15 घंटा लगेगा, रास्ते मेरे को नींद तो आना ही है, तो नींद अकेले जा रहा हूँ, सो भी जाऊँगा। तो गाइस यहाँ से गोकोवरम लगभग 600 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा गुरूर, और वहाँ से गुरूर से सीधा जगदलपुर रोड में केसकाल कोंडागांव, और फिर वहाँ से जगदलपुर से कटना है मेरे को कुछ सुकमा रोड के लिए, तो सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी चले जाऊँ आज। गाइस ये मैं आ गया पुरूर। तो गाइस मौसम तो बहुत मस्त हो गया है, देखो बादल पूरा। अभी ये मिक्सचर पैकेट ले लिया हूँ रास्ते में खाने के लिए, यहाँ से भी निकलते हैं। तो गाइस जगदलपुर रोड में रात में जाना में सही है कि यह है कि यहाँ पे 10 जगह रुकवाते हैं, कम से कम 10 जगह से प्लस रुकवाते ही होंगे एंट्री करवाने के लिए। यहाँ से कांकेर 50 किलोमीटर बचा हुआ है। तो गाइस अभी तक मैं डीजल भी नहीं डलवाया हूँ, क्या पहले तो थोड़ा डीजल था मेरे में, तो उसी में भी जा रहा हूँ फिलहाल, और कांकेर तक पहुँचे तक फुल करवाऊँगा एक टंकी। क्या है कि आंध्रा में थोड़ा महंगा है, यहाँ पे 93 है, तो वहाँ पे 97-98 है। तो गाइस ये रोड में 3 टोल प्लाजा पड़ेगा, पहला टोल प्लाजा पड़ गया और पानी गिरना भी हल्का हल्का चालू हो गया है, देखो कांच में मेरे। तो गाइस कांकेर पार करने के बाद एक डीजल टंकी है भारत का दिखा है, तो यहीं पर अभी सोच रहा हूँ मैं टंकी फुल करवा लूँगा। 94 रुपये, 94.5 रुपये है, अब क्या कर, रात हो गया यहीं पर टंकी फुल करवा लेते हैं, डीजल भी नहीं है गाड़ी में। तो भाई डीजल फुल हो गया अपना 4763 रुपये का, अब यहाँ से भी निकलते हैं, अब लॉन्ग स्टॉप गाड़ी चलाना है आगे केसकाल घाटी, यहाँ से 20 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। तो भाई अभी केसकाल पहुँच चुका हूँ मैं, अब इसको ऊपर चढ़ते हैं, अभी शाम का टाइम है, जाम तो मिलेगा ही मेरे को, शाम नहीं वैसे 8 बज गया। अभी घाटी वाटी केस कल पार करने के बाद रुका हूँ मैं यहाँ पे दुकान देखकर, तो कुछ ठंडा पीते हैं, थोड़ा गर्म लग रहा है शरीर। तो गाइस देखो ये सब लेके आ गया हूँ खाने के लिए, और एक स्टिंग भी है, अब क्या यही सब खाऊंगा मैं। तो गाइस रात में तो खाना नहीं खा सकता हूँ, जो भी यही सब लिया हूँ मिक्सचर विक्चर खाने के लिए, तो इसी को खा लूंगा मैं, और रात में खाना खाऊंगा तो नींद आएगा, मेरे को पहुँचना है वहाँ सुबह, कोई टाइमिंग का बात नहीं है लेकिन फिर भी पहुँचना है वहाँ सुबह मेरे को। तो गाइस अभी जगदलपुर और टोल पहुंच गया हूं मैं, और ये दो गाड़ी सामने जा रही है मेरी भिलाई की, तो ये लोग से भाई लोग से बात किया हूं मैं, भैया लोग से, ये लोग भी वहीं जा रहे हैं गोकावरम, तो ये लोग के साथ में ही चलते हैं पूरा रास्ता। अब वो सुकमा रोड में अकेले जाना सही भी नहीं है, पूरा नक्सलाइट एरिया है, तो 3 गाड़ी मिल गई मेरे को, 2 गाड़ी 3 गाड़ी मेरी हो गई, तो अच्छे से जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी के अंदर से जगदलपुर सिटी में, देखो 3 गाड़ी जा रही है। तो
गाइस अभी रात को 11 से ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी जगदलपुर सिटी में लग नहीं रहा है 11 बजे है, पूरा अभी भी लोग दिख ही रहे हैं। ये देखो गाइस, तो गाइस अभी गाड़ी रोक दिए हैं रेलवे फाटा के आगे में, तो यहाँ से अभी सुकमा रोड चालू हो जाएगा। यहाँ से सुकमा भी 80 किलोमीटर बचा हुआ है, और देखो गाइस यहीं पे पूरा गाड़ी को लगा दिए हैं, तो उधर लग गया बाकी हमारा गाड़ी दो भिलाई वाला। तो गाइस अभी सब भैया लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं भी गाड़ी को रोक लिया, मैं भी सोच रहा हूँ दो रोटी खा दूँ। और अभी तो 4 गाड़ी हो गया है, तो दो जन टिफिन लाए हैं और बाकी दो भैया लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। तो गाइस मैं ऑर्डर अपना मंगा लिया अंडा भुजी और रोटियाँ भी लगाएंगे, इसी को खा लेता हूँ फिलहाल। तो गाइस ये देखो मेरा रोटी और सब्जी, और भैया लोग अपना अंडा करी मंगाए और रोटी। तो गाइस खाना खाने के बाद चाय ले लिया हूँ, पूरा एक गिलास भर के दे दिए चाय। तो गाइस चाय पीकर भी आ गया हूँ, और सामने में एक और भिलाई गाड़ी आ गई है, और मेरी 2, 3, 4, 5 गाड़ी, टोटल 5 गाड़ी हो गई है भिलाई की। तो अभी यहाँ से निकलते हैं चलो, अब यहाँ पे 12:10 हो गया है और नींद उन्द आएगा, तो अभी 3-4 गाड़ी है, तो देखते हैं सोने का नहीं कोशिश करूँगा, मुँह धो के गाड़ी चलाऊंगा। तो गाइस देखो बस आ रही है, इसमें लिखा है रायपुर भिलाई दुर्ग 307। तो अभी तो सबसे आगे मैं ही हूँ, अभी यहाँ से अभी आगे निकलने दूंगा, मैं पीछे चलूंगा। तो गाइस अभी सिंगल रोड में आ चुका हूँ, एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही है, और यहाँ ये रोड में घुसने से पहले बैरियर लगा हुआ था, तो इसमें बड़ा गाड़ी राउत में अलाउ नहीं है, छोटा गाड़ी बस चल रहा है। देखो गाइस पूरा घाटी है, गाइस अभी रुके हैं, अभी हम लोग रुके हैं सुकमा में, और यहाँ पर ठंडा पानी मिल रहा है। देखो यहाँ पे पहले से भाई लोग आए हैं, तो यहाँ पूरा ठंडा ठंडा पानी है, मजार का पानी है, और 4 गाड़ी, 1 गाड़ी निकल चुकी है, तो यहाँ भी रुके हैं पानी भरने के लिए, मैं भर लिया हूँ, पूरा ठंडा ठंडा पानी है। तो यहाँ गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट है, मैं भी करवाऊँगा ऑल इंडिया परमिट पूरा नियम के साथ, तो ये भाई जान हमारे चलाते हैं। तो गाइस पानी नहीं मार के मुँह पे हम लोग निकल चुके हैं, और सामने देखो बोर्ड लगा हुआ है कोंता, जो कि अपना बॉर्डर पड़ेगा वहीं पर। तो गाइस अभी सुबह का 4 बज चुका है, हम लोग बॉर्डर पहुंच चुके हैं, बॉर्डर से जस्ट पहले रुके हैं, आगे बॉर्डर है, और सब गाड़ी लगा दिए हैं साइड में, सब चाय पियेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो पता नहीं है भाई लोग कहाँ चले गए थे, मिल गए, लगता है सो गए थे पीछे में, कैसे सो गए थे। आ गए भाई लोग भी, और एक गाड़ी और है वो पीछे रह गया अभी। तो गाइस अभी चाय पीकर आ गए हैं, और अभी नींद आ रहा है, मुंह पे पानी मारता हूँ और चलता हूँ, अभी 3 घंटा और लगेगा, 180 किलोमीटर है फिर भी। तो गाइस मुंह पे पानी मार लिया हूँ और निकल गया हूँ, क्या करें गाइस नींद आ रहा है, लेकिन सुबह पहुँचना भी ज़रूरी है, वहाँ पर जल्दी लोड होगा तो जल्दी आएंगे। तो गाइस अभी गोकारम घाट पहुँच चुका हूँ, और खाली चढ़ा हुआ है, तो गाइस घाट रोड पूरा पार हो गया है, अभी 40 किलोमीटर और बचा है यहाँ से कुरकोरम, और घाट तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, मैं पहली बार आया हूँ ना, इसीलिए ज़्यादा डेंजर लग रहा है, लेकिन है भी उतारते हैं, बहुत दिक्कत होगा, पूरा खड़ा चढ़ा हुआ है। और अभी देखो अपने सीधा जा रहे हैं, ये भी पूरा घाटी वाला रोड है ऐसे लग रहा है। तो गाइस अभी अपने लोकेशन पे पहुँच गया हूँ मैं गोकावरम, और पेट्रोल पम्प यहाँ पे एक तो बंद है, इंडियन का पेट्रोल पंप, और भी लाइक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है 2 ठोक, और वो बाहर में खड़ी है वहाँ पर 2 ठोक, अपनी गाड़ी यहाँ। तो इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग बाड़ी से स्टार्ट होगा, मतलब आज का ब्लॉग बाड़ी से स्टार्ट होगा। तो बाय, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना।